हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर। पूजा और दोस्तों, मैं हूँ पूजा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको टाइटल देखकर कि पता चल गया होगा कि मेरी करवा चौथ की शॉपिंग एटलीस्ट पूरी हो चुकी है। सिर्फ मुझे अभी पूजा वगैरह के सामान लाने हैं बस। आप लोगों ने शॉपिंग में क्या क्या किया मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लूँ मैं मेन अपने प्रोडक्ट की, जो है मेरा ड्रेस। डे में पहनने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से ड्रेस परचेज किया है। ये इसका कुर्ता है और कुर्ता काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, बट ये मुझे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा है, मतलब अंडर 3000 रुपीज़ है ये। कुछ इस तरीके से कुर्ता इसका रिसीव हुआ है। और इसके साथ मुझे ये एकदम पूरा फुल ग्लेयर वाला प्लाजो मिला है, साथ ही मैंने चुन्नी परचेज की हुई है। इसको तो मैं डे में पहनूंगी। बात करूँ मैं करवा चौथ पूजा के टाइम के लिए मैंने क्या परचेज किया है इसके बारे में, कुछ इस तरीके से मेरी साड़ी है, ये देख सकते हो आप। और ये कॉटन साथ ही सिल्क वगैरह का कॉम्बिनेशन वाला बनाया गया है, बहुत सुंदर साड़ी है ये। मैंने इसमें फॉलिंग वगैरह सब कुछ कर ली है, इसका जितना कंप्लीट वाला होता है वर्क सारा मैंने फिनिशिंग कर दिया है। कुछ इस तरीके से ये इसका आँचल है, और आँचल पे आपको कुछ इस तरीके से टसल्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर से बनाते हैं इसे। साथ ही पूरी साड़ी में आपको कुछ इस तरीके से स्टोन्स लगे हुए मिल जाएंगे, और पूरी साड़ी में आपको कुछ इस तरीके से बॉर्डर्स मिल जाएंगे, और बॉर्डर पे इस तरीके से आपको फूल की डिज़ाइन मिल जाएगी जिसमें पिंक, ग्रीन, ऑरेंज के कई सारे कलर कॉम्बिनेशन इसमें चूज किए गए हैं। साड़ी स्काई ब्लू कलर की उसके साथ साथ गोल्डन कलर की मिक्स करके बनाई गई है। कुछ इस तरीके से साड़ी है, साथ ही ये इसका पेटीकोट है। और मैं इसकी ब्लाउज की, तो ब्लाउज में मैंने थोड़ा सा हट के बनवाया है, ये बैक का है और ये फ्रंट का है। ये फ्रंट ओपन है। और मैं बात करूँ इसकी डिटेलिंग की, इसकी जो स्लीव्स है ये मैंने अलग से बनवाई है, और ये स्लीव्स पूरे नेट की स्लीव्स है। मैंने 1 मीटर का एक्स्ट्रा नेट लिया था सिक्वेंस वाला, मैंने इसे स्टिच करवाया है। और पूरी ये पफ वाली स्लीव्स है, यहाँ से इसके चुन्नट स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे आके एंड होते हैं, और यहाँ पे मैंने इलास्टिक लगवाया है जिससे कि इसका बहुत सुंदर सा लुक मिल जाता है। पे ये वाला जो डिज़ाइन था ये सेम दिया गया था, बट ये वाला भी बॉर्डर मैंने एक्स्ट्रा लगवाया और हाफ करा के, ताकि इसका लुक मुझे अच्छा सा मिल जाए। मेरा कुछ इस तरीके से नेकलेस है ये, देख सकते हो आप, ये बहुत प्यारा सा नेकलेस है। आपने मेरे एक या दो वीडियो में देखा भी होगा इसको, और मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट भी डाला था सेम यही नेकलेस पहन करके दूसरी कुर्ती पे, और मुझे बहुत पसंद है नेकलेस। 100,000 रुपीज़ का है ये, शायद 850 ऐसे पड़ा है सिर्फ एक नेकलेस मुझे ये। मैं इसके साथ पहनने वाली हूँ, जो कि इसमें बहुत सुंदर तरीके से जाएगा। और बात करूँ मैं इयरिंग की, इसमें मैंने पिंक कलर स्लीव्स पे यूज किया है। मैं इसमें कुछ इस तरीके से एयरिंग इसके साथ कैरी करूंगी। और ये वाला मांग टीका है, आप देख सकते हो पिंक कलर का ही है, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। और वैसे भी साड़ी पे आपको पूरा फुल मेकअप करना चाहिए। बात करूँ मैं अपने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है, कुछ इस तरीके से हैंकी है ये, साथ ही एक ये हेयर कलर वाली मेहंदी है नुपुर वाली, उसके साथ मैंने 2 पाउच लिए हैं जिसमें कि मैं बायना भर करके दूंगी जो हमसे थोड़ा बड़े हैं। एक हेयर ऑयल है, और ये कियो कार्पिन का हेयर ऑयल है। एक कॉम्ब लिया है, साथ ही इलिएटिन कलर पॉप्स की 75 वाली लिपस्टिक ली है मैंने, और जो कि मैट है। इसमें जो मेरा सेट है वो है B43। उसके साथ मैंने 3 बिंदियाँ ली हैं, 2 तो मैं देने के लिए ली हूँ चढ़ाने के लिए, मतलब 10-10 रुपीज़ की, और ये है रेणुका गोल्ड की। जो सेकेंड है ये मैंने लिया है, ये 25 रुपीज़ की एक है, और ये है नाभ्या की, कुछ इस तरीके से है ये, और ये बुक वाली बिंदी है। मैं साड़ी पे सिर्फ इतना ही साइज लगाती हूँ, बाकी मैं बहुत छोटा साइज पेयर करती हूँ। और मैंने नेक्स्ट परचेज किया है इवा का ये छोटा पॉकेट परफ्यूम, जो कि बहुत सही रहता है कैरी करने के लिए, उसके साथ साथ छोटू सा रहता है, बजट फ्रेंडली, 70 रुपीज़ का है। नेल पेंट मैंने लिया है L18 का, जो कि 55 रुपीज़ का है। पील मास्क लिया है, और ये जो पील आप मास्क है मैंने 2 परचेज किया था, 15 रुपये का एक पड़ा है, एक मैंने यूज कर लिया अभी आज जस्ट। बात करूँ मैं अपने बायने में देने के लिए कुछ और प्रोडक्ट की, जो कि है एक ये सिंदूर, और ये परसोनी का सिंदूर है, वनली 15 रुपये का है ये। उसके साथ में मैंने 2 काजल परचेज किए हैं ब्लू हिबन के, एक तो अपना खुद लगाने के लिए नया 10 रुपीज़ का, और एक बायने में चढ़ाने के लिए 10 रुपीज़ का,
बिकॉज मेरे पास बहुत सारे काजल पड़े हैं, दो प्लैम का है, एक बायोटिक का है, साथ ही एक मेरे पास ब्लू हिबन का जो मैंने पिछले करवा चौथ पे लिया था, उसके साथ एक मुझे पर्पल वालों की तरफ से आया था वो भी अभी मेरे पास रखा हुआ है, और एक दो एक्स्ट्रा अदर ब्रांड के जैसे कि बायोटिक वगैरह के इनके रखे हुए हैं। सो मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं लेती, मुझे इरीटेट होता है मेरी आँखों में। बाकी दो मैंने कीप्स ली हैं जो कि 10 रुपीज़ की पड़ी हैं ये, और दो पाउच हो गए शैम्पू के जो मैं बाय नेमी चढ़ाऊंगी, उसके साथ में एक 10 वाला पाउडर हो गया छोटा सा टाल्क नाइसिल का, ये भी मैं बाय नेमी चढ़ाऊंगी, साथ ही ये एप्रीकूट का स्कर्ब हो गया ये भी मैं बाय नेमी ही चढ़ाने वाली हूँ, साथ ही एक ये छोटा वाला फेस वॉश हो गया 15 वाला ये भी, और अपने लिए एक सिंदूर लिया है 65 का ब्लू हिबन का, उसके साथ में एक मिरर लिया है जो कि 25 रुपीज़ का पड़ा है, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैंने पिछली बार भी सेम ही लिया था, बस थोड़ा सा कलर चेंज था, देख सकते हो इसमें मेरा कैमरा शो हो रहा है। साथ ही 30 रुपीज़ का क्लेचर है ये, और यहाँ पे बहुत महंगा सामान मिलता है जहाँ पे मैं हूँ। उसके साथ में एक 10 वाला मैंने स्किन फ्रूट का क्रीम लिया है, साथ ही 20 वाले की एक मैंने हेयर बैंड ली है गेटी जिसे आप बोलते हो रबर बैंड, उसके साथ मैंने हस्बैंड को देने के लिए कुछ सरप्राइज लिया है जो मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, साथ ही मैंने एक गुल्लक परचेज किया है, जैसा कि आप मेरे अगर मेरी मनी सेविंग वीडियो आप लोग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने अपना गुल्लक फोड़ दिया था, सो मैं नेक्स्ट गुल्लक लाई हूँ और न्यू टारगेट के लिए, सो इस गुल्लक का मैं क्या करूँगी आपको मैं बचत वाली वीडियो में बताऊँगी डिटेल्स में। तो बात करूँ मैं नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने प्रोडक्ट की, जो कुछ इस तरीके से खा लिया है, अभी मैंने इसे ओपन नहीं किया है ये देखिए, और हमारे यहाँ पर ये 200 की पड़ी है, तो आपके यहाँ पर कितने की पड़ती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों ने लिया है तो। और मैंने इसे लोकल मार्केट से लिया है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है थाली को, बट हाँ क्वालिटी बहुत इसकी हल्की सी है, देखिए आप बहुत हल्की सी है, अगर आप 200 में वैसे बाहर मार्केट से बर्तन लिए होते तो काफ़ी आपको थोड़ा हैवी बर्तन मिलता और आप डेकोरेट कर सकते हो, बट क्वालिटी इसकी बहुत हल्की है, सिर्फ डेकोरेट किया गया है और पूरा सेट आपको एक साथ एक कलर डिजाइन में मिल जाता है, इसलिए मैंने ले लिया। साथ ही इसका पानी वाला लोटा जैसे हो गया, सो इसकी भी क्वालिटी वैसे इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ डेकोरेट अच्छा किया, साथ ही ये चन्नी हो गई जो कि चांद वगैरह देखने के लिए, सेम इसमें भी लैस का यूज किया गया है, सो कुछ इस तरीके से है ये। दो दिया लिया हुआ है मैंने जलाने के लिए, उस दिन 10-10 रुपीज के हैं ये, उसके साथ में और ये बैंगल्स हैं जो मैंने मीशो से मंगाए थे, सो अगर मुझे नीडेड पड़ी मैं यूज कर लूँगी, वैसे मेरी साड़ी का जो कलर है वो पिंक एंड स्काई ब्लू है, सो वो कलर रेड पड़ जाता है, और उसके साथ ही मैंने इसके साथ बैंगल्स भी परचेज किए हैं, और बैंगल कुछ इस तरीके से हैं ये देखिए आप, पिंक कलर के हैं प्रॉपर ये, और मैंने 2 डिब्बे परचेज किए हैं यानी कि 2 दर्जन परचेज किए हैं मैंने, और 1 दर्जन जो है वो 60 रुपीज का है। उसके साथ में कुछ इस तरीके से मैंने ज्वेलरी परचेज की है, और मेरे में सब कुछ नया डालते हैं, बट अपनी श्रद्धा है, आपके पास कितना पैसा है और कितना आप सामान ले सकते हो उसके हिसाब से कर सकते हो आप। सो मैं 3 चीज़ तो ज़रूर हर बार चेंज करती हूँ, जैसे कि पायल, बिछुआ और नाक की कील, सो किसी किसी बार मैं उसे एक्सचेंज करवा लेती हूँ, जैसे कि नहीं ख़राब होता, पिछले साल का मेरा जो पायल है भी नहीं ख़राब हुआ है, सो मैं उसे अभी और यूज लूँगी, और ये मेरा अब की बार के लिए पायल आया है रिसीव के जिस तरीके से है, देख सकती हूँ इसमें पिंक कलर की कुछ इस तरीके से मोतियाँ लगी हुई हैं, आई थिंक कवर कर रहा होगा कैमरा, और बहुत सुंदर है, बीड्स लगे हुए हैं इनमें देखिए पिंक कलर की, तो मुझे बहुत पसंद आया ये, और मैं आपको इसका एग्जैक्ट भी बताती हूँ, बट पूरा मैं काउंट करने के बाद आपको दिखा दूँ, फिर आपको मैं पूरा प्रॉपर बताती हूँ। और उसके साथ में मैंने परचेज किए हैं ये बिछुए, आप देख सकते हो बहुत सुंदर बिछुए हैं, साथ ही पिंक कलर के बिछुए आपको मिल जाते हैं, मैंने पिंक कलर का ही लिया है, इसमें बिछुआ लिया हुआ है। और उसके साथ मैंने एक नाक की कील ली हुई है, क्योंकि मैं ये चेंज करती ही करती हूँ हर बार, सो छोटी सी है पिंक कलर की। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से ही मेरी आज की वीडियो, और ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं करवा चौथ पर कौन कौन सा सामान यूज की हूँ, कौन कौन सा परचेज की हूँ, और अगर आप लोग भी शॉपिंग करने जा रहे हो, अगर आप कुछ भूल रहे हो अपनी लिस्ट में, तो मेरा आप वीडियो देख करके अपने लिस्ट में प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। कुछ इस तरीके से ही मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आपका एंटरटेन हुआ होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।